मैं बाहर खेलने जा रहा हूँ मम्मी। क्यों, क्या हुआ चाचा? बेटे, ये गठरी बहुत भारी है, इसलिए इसे मैं एक तरफ से पकड़कर इसे संभाल नहीं पा रहा हूँ। चिंता मत कीजिए चाचा, मैं दूसरी तरफ से पकड़ लेता हूँ। फिर तो मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा, मैं कुछ ही दूर में रहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ मेरे घर तक चलोगे बेटे? हाँ, मैं जरूर चलूंगा। अच्छा, तुम कहाँ रहते हो? तुम्हारा नाम क्या है बेटे? मैं हूँ पीट, पास ही रहता हूँ। क्या आपने उस पेड़ के पीछे वाला घर देखा है? मैं वहीं रहता हूँ। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा पीट। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तो दोस्तों के साथ खेलने जा रहा था। अच्छा, क्या तुम्हारे बहुत से दोस्त हैं? हाँ, मेरे कई दोस्त हैं, सैंडी, बॉबी, सैशा। बहुत बहुत शुक्रिया पीट। अगर तुम मेरी मदद आज नहीं करते तो मैं लकड़ियाँ लेकर घर नहीं पहुँच पाता। अब मैं जा रहा हूँ, मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे होंगे चाचा। रुको, तुम्हें पहले ही काफी देर हो चुकी है। मैं साइकिल में तुम्हें वहाँ पहुँचा देता हूँ बेटे। हमेशा वो देर क्यों करता है? चिंता मत करो, वो बस आता ही होगा यहाँ पर। अरे देखो, वो आ रहा है। कहाँ थे अब तक? हम कब से इंतजार कर रहे हैं? तुम हमेशा देर क्यों करते हो? नहीं, इसकी गलती नहीं है बेटे। मिलो, ये है मेरे नए चाचा जी, मैं तो यहीं आ रहा था लेकिन। अच्छा, तुमने भी आज वही किया जो कबूतर ने किया था। कबूतर ने? हाँ, उसने चींटी की जान बचाई थी। चींटी की? हाँ, ये कहानी है उस चींटी और कबूतर की। ओ वायु, प्लीज हमें ये कहानी सुनाओ ना। हाँ, प्लीज प्लीज। ठीक है, मैं सुनाता हूँ। एक दिन एक चींटी नदी किनारे पानी पीकर अपनी प्यास बुझाने आई थी। बचाओ, बचाओ, कोई मदद के लिए चिल्ला रहा है। अरे ये क्या, ये तो बेचारी चींटी की आवाज है। ये बेचारी डूब रही है, मुझे कुछ करना चाहिए। बचाओ, बचाओ। घबराओ मत, तुम नहीं डूबोगी। हाँ, तुम पत्ते पर चढ़ जाओ। हाँ, पत्ते पर। हाँ, जल्दी जल्दी करो।
बाल बच्ची मैं, मुझे तो लगा था कि मैं डूब जाऊंगी। शुक्रिया मेरे दोस्त, मैं ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अरे मैंने कोई एहसान नहीं किया, अगली बार से सावधान रहना। हाँ जरूर रखूंगी, एक बार फिर से शुक्रिया दोस्त। प्यास लगी थी, इस तरह पानी पीना ठीक रहेगा। आह, शिकारी! चाहता है, मुझे कुछ करना ही होगा। मजा मिस्टर शिकारी। अरे बाप रे, शिकारी है। सुना कैसी लगी? कबूतर ने चींटी की जान बचाई तो चींटी ने भी बदले में उसकी जान बचा ली। भलाई के बदले हमेशा भलाई होती है। थैंक यू वायु। वेलकम मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। सच में ये कहानी बहुत ही अच्छी थी वायु। आज तुमने भी बहुत अच्छा किया पीट, मुझे तुम पर गर्व है। हम सबको तुम्हारे ऊपर गर्व है पीट। थैंक यू वायु। अच्छा तो मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अब खत्म हुई। अब मुझे वापस जाना होगा, लेकिन हम फिर मिलेंगे। बाय बाय वायु। बाय बाय दोस्तों। बुलाते हैं। ओ वायु, प्लीज आओ, हमें तुम्हारी मदद चाहिए।
वायु। हेलो मेरे दोस्तों, कहो क्या बात है? वायु, जब मैं बरगद के पेड़ के पास पहुंचा तब देखा बॉबी। अच्छा, एक कौवे के सामने भी एक बार यही परेशानी आई थी, पर उसने हल कर लिया। कौवे ने? किस कौवे ने वायु? वही, उस प्यासे कौवे ने हार मानने से पहले काफी मेहनत की। सच में? क्या, लेकिन उसने किया क्या था? ओ वायु, प्लीज हमें वो कहानी सुनाओ ना। हाँ प्लीज। ठीक है, अभी सुनाता हूँ। एक दिन एक प्यासा कौवा पानी की तलाश में भटक रहा था और वो पहुंचा एक वीरान से घर में। अरे बाप रे, आज तो प्यास के मारे मेरी जान निकली जाएगी। लेकिन तभी उसकी नजर घर में रखे घड़े पर पड़ी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अरे नहीं, इसमें पानी तो नीचे तले पर बैठा है। मैं पानी तक पहुंचूंगा कैसे? अब तो मैं नहीं बचूंगा। सच में मेरा नसीब बहुत खराब है। ये तो मेरी जिंदगी का सबसे भयानक दिन है और लगता है आज मेरी आखिरी दिन है। अरे ये क्या था? कंकड़? कंकड़? मुझे और भी कंकड़ चाहिए, ढेर सा कंकड़ चाहिए मुझे। एक एक कंकड़, एक और कंकड़, एक एक कंकड़, एक और कंकड़, एक एक कंकड़, एक और कंकड़, एक एक कंकड़। एक कंकड़, एक कंकड़, एक एक कंकड़ डालकर काम बन गया। तो सुन लिया, धीरे धीरे कोशिश की तो काम हो गया। मतलब ये कि तब तक कोशिश करो जब तक काम ना हो। वाह, कमाल की कहानी सुनाई वायु। हे बॉबी, कहाँ गया? तुम अब क्या कर रहे हो बॉबी? अभी देख लेना तुम। वाह, क्या बात है बॉबी, तुम तो सच में बहुत ही स्मार्ट हो। थैंक यू वायु। ओ, मैं तो कहना ही भूल गया, आज की कहानी बहुत अच्छी थी। थैंक यू वायु। चलो अब तो काम खत्म हो गया और मेरे जाने का समय भी हो गया है। जल्दी ही हम फिर मिलेंगे। बाय बाय वायु। बाय बाय दोस्तों। भाग, नहीं तो ये भूत सच में तुझे खा जाएगा।
क्यों रहे हो? जरा देखो तो, कितने डरे हुए लग रहे हो। सही कहा, लगता है तुमने किसी भूत को देख लिया है। हाँ, मैंने एक भूत देखा है। क्या? हाँ, उधर झाड़ी की तरफ है वो। क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि वो भूत है? हाँ, वो मुझसे कह रहा था आज मैं तुम्हें खा जाऊंगा। मैं इतना डर गया था कि मैं फौरन वहाँ से भाग निकला। चलो सब मिलके माया को बुलाते हैं और उससे पूछते हैं। सही कहा, चलो माया को बुलाते हैं। अरे बच्चों, क्या बात है, तुम लोग इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो, बताओ? माया माया, गोभी कहता है कि उसने उस झाड़ियों के पीछे एक भूत को देखा। क्या ये बात सच है गोभी? देखा नहीं, मैंने सुना है। गोभी, तुम तो बिल्कुल गोमाया बन गए हो। गोमाया कौन है? चलते चलते बताऊंगी, जरा देखो तो सही ये भूत आखिर है कहाँ। घबराओ मत, तुम लोगों को कुछ नहीं होगा। Come on, चलो पता लगाते हैं। गोमाया एक सियार का नाम था। बहुत दिनों पहले की बात है, वो घने जंगल में रहा करता था। किसी कारणवश उसे कोई भी शिकार नहीं मिल रहा था जिसे वो मारकर खा सके। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, वो कमजोर और कमजोर होता गया और उसकी तकलीफ बढ़ती गई। इन सब जानवरों को आखिर हुआ क्या है? कहाँ गायब हो गए सारे? अगर यूं ही चलता रहा तो मैं तो भूख के मारे मर ही जाऊंगा। हे भगवान! एक बार फिर पूरे जंगल में तलाश करता हूँ। अरे वो क्या था? भूत था? ये या फिर कोई बड़ा जानवर? शायद वो मुझसे ज्यादा भूखा है। अगर उसने मुझे देख लिया तो एक ही बार में खा जाएगा। गोमाया, जान प्यारी तो भाग। गोमाया तो ठीक से चल ही नहीं पा रहा था, पर जब उसकी जान पे बन आई तो अपनी पूरी ताकत लगा के उसने दौड़ लगाई मानो कि कुछ हुआ ही न था। गोमाया, तुम तो एक सियार हो, अपनी बुद्धि लगाओ, यूं ही मत डरो। हाँ, बिल्कुल मत डरो। मुझे साहस से काम लेना होगा और उस आवाज का पता लगाना होगा। हे भगवान, मुझे साहस दो। भगवान मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो। भगवान मुझे साहस दो। अच्छा, तो ये रहा उस डरावनी आवाज का खतरनाक रहस्य। पेड़ की डाली उस ढोल के साथ टकरा के ये आवाज पैदा कर रही है। गोमाया, अपनी बेवकूफी पर शर्म करो। बड़ा मजा आ रहा है। अरे वाह, खाना, ये तो मेरा पसंदीदा खाना है। मैं अब और भूखा नहीं रहूंगा। ला 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 ला, इतने सारे स्वादिष्ट फल एक साथ तो मैंने जिंदगी में नहीं खाए। ला 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 ला, ये फल कितने मीठे हैं। गोमाया, तुम तो बड़े बुद्धिमान हो, अचानक बेवकूफ कैसे बन गए? ढोल की आवाज से अगर तुम डर गए होते तो आज इतने सारे स्वादिष्ट फल कभी न मिले होते। ला 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 ला। और इस तरह गोमाया को इतने सारे स्वादिष्ट फल मिल गए और उसकी खुशी का कोई किनारा नहीं रहा। माया, तो तुम ये कहना चाहती हो कि गोभी भी गोमाया जैसे ही ड्रम की आवाज सुन के डर गया हो? हो सकता है। चलो पता लगाते हैं। गोभी, क्या तुम बता सकते हो आवाज किधर से आई थी? आज मैं तुम्हें खा जाऊंगा, कच्चे चबा जाऊंगा। सुना, तुम सबको सुनाई दिया? हाँ। माया, वो सचमुच भूत है, वो हम सबको खा लेगा, हमें भाग जाना चाहिए। नहीं, ठहरो, आवाज जानी पहचानी है। चलो इस भूत की असलियत का पता लगाते हैं। अभी मजा चखाता हूँ, एक-एक को पकड़ के खा जाऊंगा। हाँ?
तो बच्चों ये रहा तुम्हारा भूत। इंतजार करते हैं फिर हम खेल शुरू करेंगे। देखो दोस्तों बॉबी आ रहा है। बॉबी तुमने इतनी देर क्यों कर दी और पीट कहाँ है? पीट के साथ एक हादसा हो गया है और उसने खुद को जख्मी कर लिया है। क्या? पर ये हादसा हुआ कैसे? मुझे नहीं मालूम पर इस वक्त वो अपने घर पर बिस्तर पर लेटा हुआ है। चलो हम सब मिलके उसके पास चलते हैं। सुनो क्यों ना हम माया को बुलाएं? पीट उसे देखकर खुश हो जाएगा। सही कहा माया, प्लीज आ जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत है। माया प्लीज आ जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत है। अरे दोस्तों कैसे हो तुम लोग? पीट के साथ एक हादसा हुआ है और हम सब लोग उसे देखने जा रहे हैं। क्या तुम भी हमारे साथ चलोगी माया? प्लीज क्यों नहीं, मैं बिल्कुल चलूंगी। पर ये हादसा आखिर हुआ कैसे? हमें कुछ भी नहीं मालूम। तो फिर चलो उसी से पता लगाते हैं। कैसे हो पीट? ओह हेलो माया। अभी कैसा महसूस हो रहा है पीट? दर्द कम है। पर ये सब आखिर हुआ कैसे? बताओ पीट तुम्हारे साथ ये सब हुआ कैसे? दरअसल मैं उड़ने की कोशिश कर रहा था। उड़ने की कोशिश? कैसे? दरअसल मैंने क्रिश फिल्म देखी थी। मैंने मम्मी डैडी से कहा मुझे एक मुखौटा चाहिए बिल्कुल क्रिश जैसा। जैसे ही मैंने मुखौटा पहना मुझे लगा कि मैं क्रिश से कुछ कम नहीं हूँ और अपने बिस्तर से कूदने की कोशिश की, लेकिन मैं उड़ नहीं पाया। मैं नीचे गिर पड़ा और जोर से चोट लग गई। ओ बेचारा पीट। तो तुम क्रिश की अंधी नकल करने लगे थे? वही तो। पीट क्या तुम्हें पता है तुम्हारा बर्ताव बिल्कुल उस नाई की तरह था जो एक व्यापारी की नकल करने गया था, बगैर ये समझे कि जो व्यापारी के काम में आया वो उसके काम में नहीं आएगा, उल्टा उसका नुकसान करेगा। तुम्हारा मतलब है कि किसी की अंधी नकल करने से हम मुश्किल में पड़ सकते हैं? बिल्कुल। देखो पीट की क्या हालत होगी जब वो एक सुपरहीरो की नकल करने गया। माया हमें उस नाई की कहानी सुनाओ ना जो नकल करने गया और मुश्किल में पड़ गया। ठीक है, ये कहानी है एक धनी व्यापारी की जिसका नाम मणिभद्र था और एक नाई की जो एक ही शहर में रहते थे, भारत देश के एक धनवान शहर में। मणिभद्र सिर्फ एक धनी आदमी ही नहीं था बल्कि बड़ा ही नेक दिल और उदार भी था। स्वागतम मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे घर में आपका स्वागत है। जरा इन मिठाइयों को तो चखकर देखिए, ये खास तौर से आप ही के लिए बनाया गया है। सचमुच बड़ा ही स्वादिष्ट मिष्ठान है। मणिभद्र तुम बहुत ही दानी मनुष्य हो, इस पूरे शहर में तुम्हारे जैसा कोई नहीं। ईश्वर का गुणगान कीजिए, उन्होंने मुझे इतना कुछ दिया है बस वही मैं आपके साथ बांट रहा हूँ। और इस तरह मणिभद्र का जीवन फूलों के बिस्तर सा बनता गया। लेकिन एक दिन उसे व्यापार में भारी नुकसान हो गया और उसने सारे धन खो दिए। कर्जा चुकाने के लिए उसे अपना खुद का सामान भी बेचना पड़ा। जिस घर में कभी धन का भंडार हुआ करता था वो एकदम सुनसान हो गया। देखो वो आ रहा है मणिभद्र, अब तो वो कंगाल बन चुका है। चलो चलो पत्ती गली से निकल लेते हैं इससे पहले कि वो हमसे पैसे मांग बैठे।
कल तक जो मेरे दोस्त थे आज मुझसे मुंह मोड़ ले रहे हैं। आज इस शहर में मैं एकदम अकेला हूँ। मैंने सबकी इतनी मदद की है पर आज कोई मुझे नहीं पूछता। पर उन्हें दोस्त देके क्या फायदा, मेरे पास कोई आएगा भी क्यों? मैं तो उन्हें कुछ नहीं दे सकता। आज मैं बिल्कुल कंगाल हो चुका हूँ। जीने के लिए पैसों की जरूरत होती है, पैसों के बिना आदमी कैसे जिए? एकमात्र उपाय है मौत। हाँ, फिर कल से किसी का कोई उधार नहीं रहेगा मेरे ऊपर। मणिभद्र, तुम एक अच्छे इंसान हो। इस दुनिया को तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत है। दुनिया के भले के लिए तुम्हारा जीना जरूरी है। मेरी तरफ ध्यान से देखो। कल सुबह मैं तुम्हारे घर पधारूंगा और ठीक इसी रूप में दर्शन दूंगा। एक डंडे से मेरे सर पर स्पर्श करना ठीक इसी जगह, और तभी मैं सोने में बदल जाऊंगा। तुम्हें इतना सोना मिलेगा कि जिंदगी भर तुम्हें तकलीफ नहीं होगी, और उस सोने का इस्तेमाल करके तुम फिर से अपना पुराना रुतबा पा सकते हो। क्या मैं पैसों के बारे में सोचते सोचते पागल हो गया हूँ? सचमुच कोई मुनिवर द्वार पर आने वाले हैं। सूरज निकल के कितनी देर हो चुकी है और तुम अभी भी बिस्तर में पड़े हो। चलो अब उठो भी। क्या मैं अपनी बीवी को सपने के बारे में बोल दूं? नहीं नहीं, वो सोचेगी कि मैं पागल हो चुका हूँ। हर वक्त पैसे के बारे में सोचते रहता हूँ, इसीलिए शायद मुझे ऐसा सपना आया था। क्या हुआ, किस सोच में डूबे हो? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। ये कैसे हो सकता है? कहीं वो मेरे सपनों के मुनिवर तो नहीं? मैं जाकर देखती हूँ। नमस्ते मालकिन, क्या मालिक दाढ़ी बनवाने के लिए तैयार है? हाँ हाँ हाँ, आओ अंदर आओ अंदर आओ। अब ये कौन है? जरा दो पल के लिए ठहरना, मैं देखता हूँ बाहर कौन है। हाँ, ये नहीं हो सकता, ये तो वही मुनिवर है जो मेरे सपने में आए थे। कहीं ये सपना तो नहीं, या फिर वो मुझे सचमुच दर्शन देने आए हैं? क्या मैं अंदर प्रवेश कर सकता हूँ? नहीं नहीं, ये सपना नहीं है, वो मुझसे ही कह रहे हैं। हे महात्मा, आप कृपया अंदर पधारें, आपका दर्शन पाके हम धन्य हो गए। सपने का पहला हिस्सा तो सच हो गया, देखते हैं अगला हिस्सा भी सच होता है या नहीं। अगर सच हो गया फिर तो मैं सचमुच दोबारा अमीर बन जाऊंगा। मुझे यकीन नहीं होता। पर ये हुआ कैसे? मेरे स्वामी, हम फिर से धनी बन गए। अब हम पहले के जैसे ही जिंदगी बिताएंगे और दूसरों की मदद करेंगे। हे मुनिवर, हम पर दया करने के लिए धन्यवाद। ये लो नाई भाई, तुम भी हमारे इस धन प्राप्ति का एक हिस्सेदार क्यों हो? ओ मालिक, आप सचमुच में बड़े ही दानवीर हैं। लेकिन नाई भाई, तुमने जो अभी यहाँ पर देखा बाहर जाकर किसी से मत कहना। नहीं मालिक, आप निश्चिंत रहें, मैं बाहर किसी से कुछ भी नहीं कहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। ईश्वर को धन्यवाद दो, उन्हीं की बदौलत मुझे मेरी संपत्ति वापस मिली। आज के बाद मेहनत की कमाई बंद, मुझे पलक झपकते ही धनी बनने का रास्ता पता चल गया है। किसी भी एक मुनिवर को बुला के उनके सर पर डंडे से मारो और धनी बन जाओ। कल ही मैं एक कोशिश करके देखता हूँ। अगले ही दिन सुबह उस लालची नाई ने अपने नजदीकी पेड़ से एक मजबूत डाली तोड़ ली जो डंडे के काम आ सकती थी। हाँ, ये डाली डंडे के रूप में सही काम आ सकती है। अब एक मुनिवर को अपने घर में निमंत्रण देता हूँ। पर एक मुनिवर से क्या होगा, जितने मुनिवर आएंगे उतना ही ज्यादा सोना मिलेगा मुझे। हाँ। मेरे ख्याल से ज्यादा मुनिवरों को निमंत्रित करना चाहिए,
हाँ। कोई और जानने से पहले मुझे जितना हो सके उतना सोना इकट्ठा कर लेना चाहिए। हाँ। हे महान मुनिवरो, मैं अपनी अब तक की कमाई हुई पूंजी का एक बड़ा हिस्सा आप लोगों को दान करना चाहता हूँ। आपके नेक काम में शायद मेरी पूंजी भी एक हिस्सा बन जाए। आपकी पूंजी अवश्य हमारे काम आएगी। तो फिर हे मुनिवरों, मैं आप लोगों को आमंत्रित करता हूँ कि आप सभी गुरुजन मेरे घर पधारें और मैं अपनी पूंजी आप लोगों को अर्पित कर सकूं। मेरे यहाँ भोजन करके मुझे धन्य कीजिए मुनिवर। आपका अशेष धन्यवाद हे महानुभव। हमें आपका निमंत्रण स्वीकार है, आप हमें मार्ग दिखाइए। मुनिवर, हे भगवान, मुझे 6 गुना ज्यादा सोना मिलेगा, इस शहर का सबसे बड़ा धनी बन जाऊंगा मैं। हे महानुभाव, आप क्या सोच रहे हैं? कुछ भी नहीं। हे मुनिवरों, आप 6 जनों को देखकर मुझे कितनी खुशी मिली है कि मैं क्या कहूँ। कृपया मेरे साथ आइए। हे मुनिवरों, ये रही मेरी छोटी सी कुटिया, कृपया अंदर पधारें। हे महान भाव, हमारा भोजन करने का स्थान कहाँ है? बताता हूँ सही स्थान, जहाँ है वही खड़े रहिए। अब तुम सबको सोने में बदल दूंगा। कहते हुए उस नाई ने मुनिवरों के सिर पर डंडे से वार करना शुरू कर दिया। वो सोना पाने के आस में मारता रहा, पर एक भी मुनिवर सोने में नहीं बदले। उल्टा वो लोग तो दर्द और हैरानी के मारे चिल्लाने लगे। बचाओ, वो आदमी पागल हो चुका है। क्या बात है, तुम लोग चिल्ला क्यों रहे हो? एक आदमी पागल घूम रहा है, उसने हमें अपने घर में आमंत्रित किया और जैसे ही हमने उसके घर में प्रवेश किया, उसने एक डंडा लेकर हमारे सर पर मारना शुरू कर दिया। कुछ मुनिवर अभी भी उनके घर बंदी है, उन्हें बचाइए वरना वो उन्हें मार डालेगा। चलो जाकर देखते है। बचाओ, 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 ये तो हमें मारी डालेगा। बचाओ, कोई बचाओ, भगवान सोना बन जाओ। बचाओ, बचाओ, सोने में क्यों नहीं बदल रहे हो? भगवान बचाओ, सोने में क्यों नहीं बदल रहे हो? ये हमको मार डालेगा। क्यों मेरी मेहनत पर पानी फेर रहे हो? बचाओ भगवान। हे सुनो, उन मुनिवरों से दूर रहो। निर्दयी कहीं का, इन्हें छूने का साहस तुमने कैसे किया? चलो मेरे साथ, तुम्हें अपने नीच काम के लिए उचित दंड मिलेगा। और उसके बाद दोनों सैनिक मिलके उस नाई को नगर के विचारक के पास घसीटते हुए ले आए। और जब विचारक ने उससे उसके नीच और निर्दय काम के बारे में पूछा, तो नाई ने उन्हें वो सब कुछ बता दिया जो उसने मणिभद्र के घर पर देखा था। पूरी कहानी सुन लेने के बाद विचारक ने सैनिकों से मणिभद्र को बुलाने को कहा। मणिभद्र को फौरन हाजिर किया जाए। प्रणाम स्वीकारें। मुझे क्यों बुलाया गया है महानुभव? मणिभद्र, इस नाई का कहना है कि उसने तुम्हें एक मुनिवर को डंडे से चोट करते हुए देखा है और चोट खाते ही वो सोने के सिक्कों में बदल गए, क्या ये सच है? हे महानुभव, इस आदमी को ऐसा लगा होगा कि मैंने मुनिवर को चोट पहुंचाया, पर ये पूरा सच नहीं है। तो फिर सच्चाई क्या है? क्योंकि इसने तुम्हारी नकल उतारते हुए कई मुनिवर को डंडे की वार से घायल कर दिया है। मैं सच्चाई बताता हूँ, इसने पूरी घटना जाने बिना मेरी अंधी नकल उतारने की कोशिश की है। और फिर मणिभद्र ने पूरी कहानी सुना दी। उसने जो सपना देखा था, वहाँ से लेकर मुनिवर के सोने में बदल जाने तक की कहानी उसने सब कह दिया। सारे लोग आश्चर्यचकित रह गए। नाई भी पूरी कहानी सुन के दंग रह गया, वो तो मारे डर के कांपने लगा। अब मुझे समझ में आ रहा है कि जब मैंने मुनिवरों को मारा तो वो सोने में क्यों नहीं बदल गए। तुम एक बुद्धिहीन प्राणी हो, पैसों की लालच में आके तुमने इस नगर के निर्दोष लोगों को गहरा चोट पहुंचाया है, इसका तुम्हें कठिन दंड मिलेगा।
मैं सैनिकों को हुक्म देता हूँ कि तुम्हें 6 महीने के लिए कारावास में डाल दिया जाए ताकि सभी को इस घटना से उचित शिक्षा मिले। किसी की अंधी नकल उतारना खतरनाक हो सकता है, इसमें दूसरों की भी जान आफत में आ सकती है और आपकी खुद की भी। तो तुमने देखा बच्चों, नाई को अपने किए की उचित शिक्षा किस तरह मिली? बिल्कुल मेरी तरह। हमें भी सही शिक्षा मिल गई। हाँ। ये हुई ना बात। बच्चों हमेशा याद रखना, फिल्म और कल्पना हमारे मनोरंजन के लिए होती है, उनके नायक महानायकों की नकल करने के लिए नहीं। तो अगली बार जब भी कोई काल्पनिक फिल्म देखोगे उसके नायक की हरकतों की नकल मत उतारना, सिर्फ बैठे बैठे फिल्म का मजा लेना, इससे तुम्हारा दिल और दिमाग दोनों तंदुरुस्त हो जाएंगे। हम हमेशा इसे याद रखेंगे। अच्छा है, तो पीट तुम अभी आराम करो और जल्दी से तंदुरुस्त बन जाओ। तब मैं चलूं, गुड बाय। गुड बाय। बाय पीट, अब हम भी चलते हैं। तुम अब आराम करो, ठीक है? सही कहा, चलते हैं। तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बाय पीट। बाय। तुम सबको बाय।